दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किशनगंज के टॉप 10 कॉलेज कौन है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो लंबा होगा, क्योंकि मैं कॉलेज का सिर्फ नाम ही नहीं बताता हूँ बल्कि कॉलेज के बारे में काफी डिटेल से बात करता हूँ, जिस कारण से मेरा वीडियो लंबा हो जाता है। तो अगर आप टॉप कॉलेज के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तब तो आप मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वरना टॉप 10 के बारे में दो दो तीन तीन मिनट के बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो पे बने रहें। तो चलिए दोस्तों यहां से हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों किशनगंज के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में नंबर 1 पे आता है GEC कॉलेज। इस कॉलेज का पूरा नाम है दोस्तों गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। यह कॉलेज किशनगंज में है तथा इसकी स्थापना हुई थी 2019 ईस्वी में। दोस्तों यह कॉलेज AKU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तथा AICTE द्वारा अप्रूव्ड है। दोस्तों यहाँ से आप BE या BTEC का कोर्स कर सकते हैं। यहाँ से आप सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग तथा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से BTEC कर सकते हैं। दोस्तों यह कॉलेज अभी हाल में ही बना है, इसलिए यहाँ पे प्लेसमेंट अभी उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी इसकी डिग्री बहुत मजबूत है, आप यहाँ से कोर्स कर सकते हैं। इस कॉलेज के बाद दोस्तों किशनगंज के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में 2 नंबर पे आता है किशनगंज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। यह कॉलेज भी दोस्तों किशनगंज में ही है तथा इसकी स्थापना हुई थी 2010 ईस्वी में। दोस्तों यह कॉलेज पूर्णिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तथा AICTE द्वारा अप्रूव्ड है। यहाँ से भी आप BE या BTEC का कोर्स कर सकते हैं। इस कॉलेज से आप सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से BTEC कर सकते हैं। दोस्तों इस कॉलेज से अगर आप BTEC करते हैं तो BTEC का टोटल फी है इस कॉलेज का 2.72 लाख रुपीज। दोस्तों इस कॉलेज में लगभग 50-60% बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाता है। इस कॉलेज के बाद किशनगंज के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में 3 नंबर पे आता है दोस्तों अजमत कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। यह कॉलेज भी किशनगंज में ही है तथा इसकी स्थापना हुई थी 2008 ईस्वी में। यह कॉलेज SBTE पटना द्वारा एफिलिएटेड है तथा AICTE द्वारा अप्रूव्ड है। दोस्तों यहां से आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग में कोर्स कर सकते हैं। यहां से आप सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग तथा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर सकते हैं। इस कॉलेज से अगर आप डिप्लोमा करते हैं दोस्तों तो डिप्लोमा का टोटल फी है यहाँ पे 1.35 लाख रुपीज। दोस्तों इस कॉलेज में भी 60-70% बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाता है। इस कॉलेज के बाद किशनगंज के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में 4 नंबर पे है अजमत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों यह कॉलेज नवाबगंज किशनगंज में है तथा इसकी स्थापना हुई थी 2010 ईस्वी में। यह कॉलेज AKU यूनिवर्सिटी तथा SBTE द्वारा एफिलिएटेड है और AICTE द्वारा अप्रूव्ड है। दोस्तों अब तक के जितने भी मैंने कॉलेज बताया है उन सब में यह कॉलेज सबसे अच्छा है, क्योंकि इस कॉलेज से आप BE या BTEC कर सकते हैं तथा पार्ट टाइम में इस कॉलेज में डिप्लोमा भी कराया जाता है। यहाँ से आप सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से BTEC कर सकते हैं, और सिविल इंजीनियरिंग तथा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आप सेकेंड शिफ्ट में यहां से डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं। दोस्तों यहां से अगर आप BTEC करते हैं तो BTEC का टोटल फी है यहां पे 2.40 लाख रुपीज तथा डिप्लोमा का टोटल फी है यहां पे 1.35 लाख रुपीज। दोस्तों इस कॉलेज में भी लगभग 50-60% बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाता है। इस कॉलेज के बाद दोस्तों किशनगंज के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में 5 नंबर पे है मिलिया पॉलिटेक्निक कॉलेज। यह कॉलेज भी किशनगंज में ही है तथा इसकी स्थापना हुई थी 2014 ईस्वी में। यह कॉलेज SBTE द्वारा एफिलिएटेड है तथा AICTE द्वारा अप्रूव्ड है। यह एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है दोस्तों, इसलिए यहां से आप सिर्फ डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। इस कॉलेज से आप सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तथा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर सकते हैं।
इस कॉलेज से अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो डिप्लोमा के वन ईयर का फी है यहाँ पे 45,000 रुपीज। इस कॉलेज के बाद दोस्तों किशनगंज के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में 6 नंबर पे है माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड लाइन सेवा केंद्र। यह कॉलेज भी किशनगंज में ही है तथा इसकी स्थापना हुई थी 1990 ईस्वी में। यह कॉलेज दोस्तों BNMU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तथा MCI द्वारा अप्रूव्ड है। दोस्तों अगर आप मेडिकल से स्टडी करना चाहते हैं तो यह कॉलेज आपके लिए बहुत ही सुपर रहेगा, लेकिन यह कॉलेज महंगा है दोस्तों तथा यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको नीट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। यहाँ से आप MBBS, MD, MS तथा बहुत सारे मेडिकल में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। इस कॉलेज में MBBS का टोटल फी है दोस्तों 38.21 लाख रुपीस तथा MD जनरल मेडिसिन का टोटल फी है 79.50 लाख रुपीस, लेकिन वहीं MD OG का टोटल फी है 1.02 करोड़ रुपीस। इसी प्रकार दोस्तों MS जनरल सर्जरी का टोटल फी है 56.70 लाख रुपीस, जबकि MS ऑर्थोपेडिक्स का टोटल फी है 68.10 लाख रुपीस। दोस्तों यहां से पढ़कर आप देश दुनिया कहीं पे भी जॉब पा सकते हैं तथा आप अपना पर्सनल क्लिनिक भी खोल सकते हैं और हॉस्पिटल भी आप ओपन कर सकते हैं। इस कॉलेज के बाद दोस्तों किशनगंज के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में 7 नंबर पे है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। यह कॉलेज ठाकुरगंज किशनगंज में है तथा इसकी स्थापना हुई थी 2016 ईस्वी में। यह कॉलेज दोस्तों SBTE पटना से एफिलिएटेड है तथा AICTE द्वारा अप्रूव्ड है। इस कॉलेज से आप सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग तथा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर सकते हैं। इस कॉलेज से अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो डिप्लोमा का टोटल फी है दोस्तों इस कॉलेज में 15,000 से लेके 20,000 तक। इस कॉलेज के बाद दोस्तों किशनगंज के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में 8 नंबर पे है इंसान डिग्री कॉलेज। दोस्तों यह कॉलेज कपीर चौक किशनगंज में है तथा इसकी स्थापना हुई थी 2010 ईस्वी में। यह कॉलेज दोस्तों MMHAPU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तथा UGC द्वारा अप्रूव्ड है। दोस्तों यह कॉलेज BA और BCOM के लिए बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ से आप BA, BCOM, BCA, BBA, BJMC तथा UG डिप्लोमा से कोर्स कर सकते हैं। इस कॉलेज के बाद किशनगंज के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में 9 नंबर पे है दोस्तों मारवाड़ी कॉलेज। यह कॉलेज भी किशनगंज में है तथा इसकी स्थापना हुई थी 1960 ईस्वी में। यह कॉलेज दोस्तों BNMU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तथा UGC द्वारा अप्रूव्ड है। इस कॉलेज से आप BA, BCOM, BSc और UG डिप्लोमा से कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों इस कॉलेज का एक खास बात यह है कि यहाँ पे लगभग 80% बच्चों का प्लेसमेंट मिलता है तथा इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज है 4 लाख और एवरेज पैकेज है 2 लाख रुपीज। इस कॉलेज के बाद किशनगंज के टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट में 10 नंबर पे है MHAND कॉलेज। इस कॉलेज का पूरा नाम है दोस्तों मजहरुल हक आजाद नेशनल डिग्री कॉलेज। यह कॉलेज ठाकुरगंज किशनगंज में है तथा इसकी स्थापना हुई थी 1979 ईस्वी में। यह कॉलेज भी BNMU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तथा UGC द्वारा अप्रूव्ड है। दोस्तों इस कॉलेज से आप BA, BCOM और BSc से डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यह था किशनगंज के टॉप 10 कॉलेज। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें तथा बिहार के किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के बारे में पूरी पूरी जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।